द्रोणाचार्य के विधि से वो नहीं सीखो, पर वो एकलव्य अपनी भावना से सीखो, और जो भावना से सीखो वो ज्यादा वेधक भयो, जो विधि से सीखो वो इतना वेधक नहीं भयो। चल मैम, और ये द्रोणाचार्य को खुद को नहीं समझ पड़ो कि ये तीर चलाना कैसे सीखो। जहां विधि से द्रोणाचार्य सिखाने गयो वो विद्यार्थी इतना तैयार नहीं भयो, और जो विद्यार्थी भावना से सीखो द्रोणाचार्य से वो ऐसो विधि से सीखे वैसो ज्यादा। तो या सु समझ में आवे कि अविहित भक्ति को महात्म्य क्या है। जो विहित भक्ति है, जो शास्त्रीय विधि से जो चलने वाली भक्ति है, वो कितनों वेद कर पाएगी, और जो अविहित भक्ति है वाकी निशानी वाकी निशानबाजी कैसी है। ये एकलव्य को उदाहरण जो है, ये समझ लो कि पुष्टि मार्ग का सारे रहस्य छुपे हुए हो एकलव्य के उदाहरण में, कभी समझ में जाओ तो। ते नाभि तस्तुति गणा नुपासित महत्तमा केवले नहीं भावे। केवल भावसु वाने द्रोणाचार्य को स्वरूप पधरायो। मैं नहीं समझू कि वह स्वरूप वाकू बोलियो होगो कि बेटा यो तीर चला। आजकल कई लोग रो है कि हमने स्वरूप पधरा लियो, हमसे ठाकुर जी बोले नहीं। अरे बाबा, तुम्हारे में एक लव्यता है। एकलव्य ने कभी द्रोणाचार्य से यू नहीं कही कल महाराज मैंने आपकी मूर्ति पधराई है, तीन दिन बाद तो बोलो, नहीं तो मूर्ति क्यों पधराई। हमारे को एक ने कई झगड़ा किया एक दिन, कैसे हम 11 साल से सेवा ठाकुर जी की कर रहे हैं, और ठाकुर जी जब पूतना को दर्शन दें तो हमको क्या नहीं दर्शन दें। मैंने कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तुमने किया तो काउंटर सिग्नेचर ठाकुर जी की ली थी। बोले वो तो नहीं ली थी। तो मैंने कही तुम वन साइडेड एग्रीमेंट में आए हो तो वो की वैलिडिटी कैसे मानी जाए। कोई भी एग्रीमेंट करें तो काउंटर सिग्नेचर चाहिए, वो काउंटर सिग्नेचर तो है नहीं। अब तुम कह रहे हो कैसे क्यों नहीं ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, कैसे बोलेंगे ठाकुर जी। एकलव्यता लाओ। ये सेवा तुम कर रहे हो, तुम्हारे हृदय में इतनी मृदुता आई, यही वो बोल रहे हो। वो नहीं बोले तो ये मृदुता कहां से आएगी। योनतः प्रविश्य मम वाचि इमां प्रसुप्ताम संजीवयत अखिल शक्ति धरत स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। यदि तुम में ठाकुर जी के लिए एक आंसू बहाने की क्षमता आई है तो निश्चित समझो कि ठाकुर जी के हृदय में भी तुम्हारे लिए कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भय है। यदि ठाकुर जी के हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो तो तुम्हारे आंख में से एक आंसू कैसे टपके। जो मात्र इंद्रिय को प्रेरक है वो जब तक प्रेरणा नहीं करते हुए तब तक तुम्हारे कौन से व्यवहार बन पाएंगे, कोई व्यवहार नहीं बन पाएंगे। और फिर भी तुम यदि यूं समझो कि हम जो है वो मूर्ति पूज रहे हैं तो फिर एकलव्यता सच्ची नहीं है। बोलने नहीं बोलने में क्या फर्क पड़े, बोलने नहीं बोलने में क्या फर्क पड़े। जाको स्नेह है वह कोई फर्क नहीं पड़े, बोले तो मत बोलो, स्नेह तो स्नेह रहे है। और यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो बात तो काउंटर सिग्नेचर चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो। तो ये चक्कर है थोड़ा सा। अपन भक्ति मार्ग पर चले पर भक्ति के जो भाव हैं उनको ग्रहित नहीं करें, वास्तव ऐसे कंफ्यूजन अपने को हो जाए। बच्चा अपनों कौन से बोले, अब निष्ठा है क्या क्या करे, अब पेट दुख रहे है कि कान दुख रहे है कि गर्मी लग रही है कि क्या हो रही है, क्या बतावे वो। अब यह बात पे नाराज हो जाए अपन तो, या तो बताओ तो इलाज करवाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। कुछ ही नहीं, अपने को लगे तो पेट दुखते है तो पेट पे हिंग लगा, कान दुखते है तो कान में दो चार ड्रॉप डाल रहे, उपाय अपन अपने करते रहे। वो कौन जाने उन उपायन के कारण चुप हो गए कि अपने आप ही वाको रोने का मूड खत्म हो गया या लिए चुप हो जाए, क्या पता चले अपने को। अपने को लगे हिंग लगाई पेट पे तो चलो ये पेट दुख तो बंद हो गया, क्या पता कि पेट दुख तो बंद हो कि नहीं। फिर तुम्हें अपन ने हिंग लगाई वो अपने रोने का मूड पूरा हो गया तो चुप हो गई। बच्चा को कुछ एक्टिविटी चाहिए, कुछ नहीं एक्टिविटी नहीं मिले तो रोके वो अपने को एक्टिव रखे। वो इतनी एक्टिविटी जब आपको मिल गई तब आनंद सुसो गए फिर अपने को जगा के। अपने को क्या पता चले, पर या तरह को ज्ञान माँ तो नहीं वापर सके ना। माँ तो ऐसा रोवे तो सब काम करे, बाकू हिंग भी लगावे कान में भी दवाई डाले सब कुछ करे, जो जो संभावनाएं हैं अपनी जितनी बात अपने समझ में आवे। ऐसे भक्त जो है वो तो भगवान की सेवा ही करते रहे, भगवान वहां को रिटर्न क्या दे हैं
ये कोई भक्त को विषय नहीं है, ख्याल में है, भक्ति का स्वभाव ऐसा है। पर राजस भाव आ जाए, राजस भाव आ जाए तो अपन मांगे फिर कि हम तो स्नेह करें और तू स्नेह नहीं करें। वो गोपियां कह रही है, ख्याल में है ना। गोपी क्या कह है, चलसी यद विजा चारयन पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुर सीदती तिना कलिलता मन कांत गच्छती। तो देखो कहन में कितना अंतर है, कहन कहन को अंतर है। कहते ये सिर्फ इतना ही रही है कि हम यहां रात को भटक रही हैं वन में और तू हमारी चिंता नहीं कर रहे है, ऐसे वो कह नहीं रही है। मन को भाव खाली बात है, देखो है कह तो कितना रही है, कह वो सिर्फ इतनी बात रही है कि चलसी यद युजा चारयन पशु तेरे कोमल कमल जैसे चरण, उन कोमल कमल जैसे चरण सु तू चले है गाय चराने के लिए सुबह, तब सु हमारे को दुख होने लग जाए। ये कोई रात को अभी दुख हो रहा है ऐसी बात थोड़ी है, सुबह सु जा वक्त तू पहलो कदम वृक्ष के बाहर धरे तब सु हमारो मन खिन्न होने लग जाए। क्यों खिन्न हुए, क्या कि तेरे कोमल चरण हैं वो ऐसे कहीं जंगल में भटकने के लिए है का? इतने कोमल चरण जंगल में काका नहीं हुए, कंकड़ हुए, पत्थर हुए, कांटा हुए, तिनका हुए, सब चुभे पैर में, क्यों जंगल में भटके? ठाकुर जी कहते हैं भाई मैं तो सुबह से ही भटकू, सुबह से ही गांव गाय चराने जाऊं। जो कहते हमको भी सुबह से ही दुख है, यही है हमको कोई अभी दुख है ऐसा थोड़ी है, हमको सुबह से ही दुख है। या बात क्यों कि क्यों तू जंगल में भट गए, तो कोई नया दुख नहीं है, अभी तू चले जा रहे हो, अभी तो दुख और बढ़ रहे हो बाबा को कि दिन में तो भटके से भटके रात में और भटके, रात में क्यों भटके, दिन में हो गई भटकन पूरी, अब तो शांति से बैठ गई। बोले कोमल चरण को हमारे अभ्यास हो गए जंगल में भटकने को, तो कह के शायद तेरे को अभ्यास हो गो तेरे कोमल चरणन को ऐसी कठोरतान को, पर हमारा मन तो खिन्न हो गई है। हमारा मन जो है वो या बात संतुष्ट नहीं हो सके कि तेरे को अभ्यास है। एक बात बताऊं, अपने घर में कोई मेहमान आए हो अब अपने मेहमान को समझ लो पंखा चलाने की आदत है, अपने को पंखा चलाने की आदत नहीं, अब वो सोते हुए बिना पंखा के, अब आपको पता हो कि भाई इनको पंखा चलाने की आदत नहीं, अब वो यूं कहते हैं भाई मेरे तो अभ्यास है बिना पंखा के भी सोने को, और सो जाए तो यदि अपन अपने सुख को विचार करें तो अपन कहें चलो अभ्यास है ना बिना पंखा के सोने को, बस तो आज यहां मत चलाइयो, गांव घर जाओ तो चलाइयो अपने पंखा। पर जो जरा भी छोड़ो भी अपने में आतिथ्य की भावना है तो अपन क्या करेंगे कि भाई अभ्यास तो होगा पंखा बिना सोने को आपको, पर काय को वो अभ्यास यहां प्रकट करो, घर में करियो प्रकट अभ्यास अपनो, यहां तो पंखा में सो, हमको कष्ट है वो हम भुगत लेंगे। जहां में आतिथ्य की भावना है वो तो या तरह का व्यवहार करेगा। ऐसे गोपिका कहें तो तुमको यदि थोड़ा बहुत अभ्यास हो भी समझो दिन भर में गाय चरा चरा के जंगल में भटकने को, तो दिन में करियो, पर अभी क्यों प्रकट कर रहे हो अभ्यास, अभी यहां अभ्यास जताने की सर्कस की क्या जरूरत है, अभी तो शांति से विराजे हैं हमारे बीच में। ये कोमल चरण जो है वो कमल जैसे कोमल चरण काय को इन कंकड़ पत्थर इन पर पधरा के और उनको तकलीफ दो, हो अभ्यास हो तो अभी हमारे पे पधरा दो। ये कोमल क्योंकि नलिन सुंदर अन्नाथ ते पदम, जो कोमल जैसे कमल जैसे कोमल सुंदर चरण है वो कहीं कंकड़ पत्थर पे पधराने लायक है,
ये बात तो सोच के हमारा मन को क्लेश हो गया है। वो ये नहीं कह है, चल रहा है ना, ये तो भाव है अंदर को, अंदर को भाव एक राजस भाव है जो आचार्य चरण प्रकट करे हैं। शब्द में तो वो केवल इतना ही कहे कि क्यों कष्ट पावे है तो। पर जब वो यो कहे कि क्यों कष्ट पावे है तो वहां को अंतरूनी तात्पर्य है कि कष्ट क्यों पावे है, तो ये आदमी कब कह सके कि जब वाक्य हृदय में ऐसा स्नेह होए तब न, नहीं तो कह देते हैं भाई अभ्यास से न सारू तेरे घरे आ जाए मजबा प्रो कह सके अच्छी तरह से। तो यदि व्यवहार कुशल होए तब तो ये निभ जाए बात, पर यदि जरा भी स्नेही होए तो ये कौशल्य काम को नहीं आवे, स्नेह में ये चतुराई काम नहीं आवे, स्नेह तो निश्चल होवे। अब वो स्नेह की निश्चलता जो है वो आचार्य चरणिया समझा रहे हैं कि वह निश्चलता जो है वो इन शब्दन में प्रकट वही है वाके कि तू अपने चरणन को क्यों कष्ट दे है। तो वासु ये भाव प्रकट भयो कि भाई हम तो तेरे जहां कष्ट नहीं है, जिन कष्टन को तो कुछ सहन करने को अभ्यास है, उनमें भी हम नहीं चाहे कि तुख वो कष्ट हो गए। तो ज्या कष्ट को सहन करने को हमको अभ्यास नहीं है, वो कष्ट हमको तू क्या देना चाहे, तेरे तो थोड़ा बहुत अभ्यास हुए वो भी, हमारे तो ये अभ्यास नहीं है ना कष्ट सहन करने को, तो वो कष्ट हमको क्यों दे। कि ये चरण जाके स्थापन को अधिकार सिर्फ हमारो ही है, जो चरण हम पे स्थापित न हुए तो हमको महान कष्ट है, या कष्ट सहन करने को हमको अभ्यास नहीं है, ऐसा कष्ट हमको क्यों दे। तेरे को होगा अभ्यास शायद कंकड़ पत्थर अंतर चरण स्थापित करने को, पर हमको ये अभ्यास नहीं है कि तेरे चरण जो है वो इनके लिए कंकड़ पत्थर अंतर स्थापित हो। अस्माकंतु स्नेहवशात तद विषय का समीचीन एपि खेद बुद्धि जायते। जो बात तेरे लिए समीचीन है ठीक है, या में कोई अनुचित नहीं है, वहां में भी हमको तो अनुचित प्रतीत हुए और हमको खेद हुआ है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तब तो नास्मद विषयिणी सत्य खेद देती जाए तो खेद बुद्धि, और जहां सचमुच में हमको खेद है वहां में भी तुमको कोई विचार ही नहीं हुआ हमारा कैसे हमको क्या कष्ट है या बात को। न्याय विरोध विवाह मैंने तुलना कर रही है कि जरा तू तेरे स्नेह को और हमारे स्नेह को तुलना तो कर, पर न्याय विरोध माह नहीं कह रहे हैं आचार्य चरण, न्याय विरोध मिव आह कह रहे हैं। या बात तो समझियो कि वो कह नहीं रही है, वो भाव तो सारे हृदय में है पर वाणी में बात तरह कोई झगड़ा नहीं है, वाणी तो केवल इतनी है कि तू क्यों कष्ट पावे। यद व्रजात पशुन चारयन चलसी तत्र चलने नलिनापेक्षया सुंदरं कोमलं हे नाथ ते पदम मार्गस्थितै शिलतृणांकुरै शिला पाषाण तृणानि अंकुरा दर्भादीनां तामसानि सात्विकानि राजसान्यसवा। कहके जब सुबह ही सुबह तू चले गाय चराने के लिए, तब नलिन के अपेक्षा भी ज्यादा सुंदर कोमल जो तेरे पद हैं, वो मार्ग में स्थित शिला तृण और अंकुरन सो एक और बात वाके मन में गोपिका के जगह है। वो यह कह के तेरे को अभ्यास है शिला पे तृणन पे अंकुरन पे नंगे पैर घूमने को, क्योंकि अभ्यास है तो हमारे में भी शिला जो है वो तामस भाव वालो है, अंकुर जो है वो सात्विक भाव वालो, तृण जो है वो सात्विक भाव वाले हैं और अंकुर मन जो कांटा जैसे हुए वो राजस भाव वाले हैं, तो हमें भी वैसे भाव है, हमें छोटा पैर रखे अभ्यास है। अभ्यास का मतलब क्या, जैसे समुद्र में नहाने को अभ्यास है तो समुद्र कैसो भी होए नहाने वाला ना है वो डर जाए, जैसे अपन डर गए, तो मतलब ये कि समुद्र में नहाने को अभ्यास नहीं है, खाली शौक है।
यदि तेरे को सचमुच में अभ्यास है तो चल कैसे भी फिर सात्विक राजस तामस शिला हो, हमारे हृदय में भी कुछ शिला जैसे तामस भाव हैं, हमारे हृदय में भी तृण जैसे बड़े दैन्य वाले मैंने तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु ना अमानि ना मान दे न कीर्तनीय सदा हरी। तृण पे पैर रखो और तृण झुक जाए, शिला पे पैर रखो तो क्या करे शिला झुक जाए। ख्याल में आया ना, शिला कोई झुके नहीं पैर रखने से, पैर कोई चुभना पड़े, पैर ही ऊपर उठाना पड़े आपको। अरे हमारे में भी त्रिविध भाव है, खुद में सात्विक भाव है कि जिन पे तू अपने चरण स्थापित करेगा तो वो दीनता से वही वक्त गदगद हो जाएंगे। कोई में तामस भाव है कि पैर रखेगा तो थोड़ी बात चिबाएंगे कि इतनी देर कहाँ घूम रहे अब तो। कोई में ऐसे तामस भाव है, कोई में राजस भाव है कि जो चलाए मान रहेंगे कांटा जैसे, कभी चुभे कभी नहीं भी चुभे, कभी टेढ़े चुभे कभी सीधे चुभे, टेढ़े चुभे कभी तो ज्यादा दर्द करें, सीधे चुभे तो ज्यादा दर्द करें, टेढ़े चुभे तो कम दर्द करें, कांटा जब यो चुभ जाए तो इतना दर्द नहीं करे, यो चुभे तो ज्यादा दर्द करे। तो ऐसा जो चंचल राजस्था की स्थिति है वो अंकुर में रहे शिला में नहीं रहे, तृण तो बेचारा सीधो ही हुआ, पैर रखे नहीं कि वो झुक जाए। तो ऐसे भाव हमारे में भी है, यदि तो कोई अभ्यास है ऐसे ही तेरे मन में कोई शौक है क्या भाई शिला तृण अंकुरंत हमारे को नंगे पैर घूमना, तो वो सारे के सारे भाव हमें मौजूद हैं, हम तो चरण क्यों नहीं स्थापित करें। यालिए मन क्लेश पामे यू कह रहे कि शिला पाषाणा तृणानी अंकुरा दर्भादीनाम तामसानी सात्विकानी राजसानी अथवा शिलारूपम यत् तृणम शिलतृणम कठिन तृणम तस्यांकुरे रति परुष तीक्ष्णे। नहीं नहीं तुम इतना सब सुना रही हो, तुम्हारे भाव जो है वो दैन्य वाले नहीं है, सात्विक भाव नहीं है, जो बहुत निर्गुण भाव है वो भी चुभते भय भाव सुना रही है, जो सात्विक भाव कर रही है वो भी शब्द सात्विक प्रयोग कर रही है, भाव उनके भी जो है वो तामस है क्योंकि प्रकरण तामस है। शब्द इनके सात्विक हो सके पर प्रकरण जो तामस है तो भाव तो सबके तामस ही है, तो सबके भाव तामस है। या के लिए कहें कि भले भाषा तुम जो है वो कोई सात्विक जैसी प्रयोग कर रही हो कि नकल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंत, तुम भगवान तुम तो जगत के अंतरात्मा हो, तुम तो दुनिया के पाप को नाश करने वाले हो और हमारे में जो पाप हो दूर करो, ये तो केवल भाषा भाषा है तुम्हारी, तो भाव ऐसे नहीं है। जहां वक्त तुम मीठी भाषा प्रयोग कर रहे हो वहां वक्त भी भाव तुम्हारे बड़े तामस। जैसे हमने वो कथा सुनाई है क्या, तो राजमुखारविंद से आज्ञा करें दास मन में विनती करें। भाषा तो है वो बड़ी सात्विक है, महाराज को गाली देने की बहुत आदत है, गाली दी महाराज ने, नौकर को समझा दिया तो कि कभी गड़बड़ भाषा नहीं बोलनी, नहीं